फ्रेंड्स, आज हम लोग आउटिंग पर जा रहे हैं। बहुत दिन हो गए हैं, निकले नहीं हैं घर से बाहर, बहुत जो है बोरियत हो रही थी। तो आज हम लोगों ने प्लान बना है आउटिंग का, और जो है आज मेरे साथ साथ आप लोग भी जो है आउटिंग करिए मेरी वीडियो को देखकर। और आपको मैं आज एक ऐसी जगह लेके चलती हूँ जहाँ जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँगी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ आप भी जो है आउटिंग का मजा लीजिए वीडियो को देखकर, और इस वीडियो को फुल देखिएगा। इसमें बहुत सारी मैं जो है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालने वाली हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। तो फ्रेंड्स, मैं आपका जो है सस्पेंस थोड़ा सा खत्म कर देती हूँ, और हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे, मीन्स नोएडा एक्सटेंशन, जहाँ पर हमने अपना फ्लैट लिया हुआ है। और बहुत दिनों से जाने की कोशिश कर रहे थे बट जा नहीं पा रहे थे, तो आज जाने थोड़ा मूड बन गया है। आप देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी है, बहुत मजा आ रहा है आउटिंग करने में। और चार पांच महीने तो एटलीस्ट हो ही गए हैं जब से लॉकडाउन हुआ है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले थे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको नोएडा एक्सटेंशन में क्या क्या कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है वो इसमें मैं सारी दिखाऊंगी, और जो जहाँ पे हमने अपना फ्लैट लिया हुआ है वहाँ पे कितना प्रोग्रेस हो गया है, कितना काम चल रहा है, ये सब इसमें रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगी। और अगर किसी को वहाँ पे लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, फ्लैट लेना है, रेंट पे लेना है, तो आप इस वीडियो को देखकर, मतलब आपको इससे बहुत हेल्प होने वाली है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो आज बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत टाइम बाद घर से बाहर निकले हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ जो है एंजॉय करिएगा वीडियो को देखकर, ऐसी फीलिंग अपने अंदर लाइए कि हाँ आप भी जो है आउटिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बड़ा अच्छा लगता है ना कि काफी दिनों बाद हम लोग जो है आउटिंग पे जाएं। और फ्रेंड्स, इसमें जो है अगर आप लोग को ही जो है नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट ले रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में अजनारा ली गार्डन के बारे में मैं बताऊंगी, जिसमें हमारा फ्लैट है और हम लोग काफी दिन से वहां नहीं गए थे। यही देखने जा रहे हैं कि वहां पर कितनी प्रोग्रेस हो गई है, कितना काम हो गया है, और वहां के फ्लैट कैसे हैं। मैं पूरे फ्लैट का, अपने फ्लैट का रिव्यू इसमें दूंगी, मीन्स पूरा रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगी वहां का मार्केट, वहां क्या क्या हो चुका है, उस सोसाइटी के बारे में एटलीस्ट पूरा बताऊंगी। तो आप मेरी इस वीडियो में मेरे साथ जो है लास्ट तक जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स। मैं बहुत कुछ इसमें जो है इम्पोर्टेंट डालने वाली हूँ। और बहुत से लोग हैं जो सोच रहे हैं इधर उधर फ्लैट लेने का नोएडा एक्सटेंशन में, तो इस वीडियो से आपको काफी हेल्प होने वाली है। ओके फ्रेंड्स, तो आप जो है मेरे साथ बने रहिए, मैं धीरे धीरे करके आपको सारा इसमें दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, नोएडा एक्सटेंशन स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, नाइस व्यू, और लॉन्ग ड्राइव करने में बहुत ही मजा आ रहा है आज। तो मैंने फ्रेंड्स ये वीडियो इसलिए ही बना रही हूँ कि अगर किसी का यहाँ पर फ्लैट है, आ नहीं पा रहा है देखने के लिए, तो इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं साइड में काफी बिल्डिंग्स बन गई हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है हर जगह। और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये तो सारी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। और इसको जो है गौर चौक बोलते हैं, जहां पर इस समय मैं ये शूट कर रही हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको सारा नोएडा एक्सटेंशन दिखाने वाली हूं। इसको फ्रेंड ये देखिए, हमारा गौर चौक आ चुका है यहाँ पर। और आपके साइड में देख सकते हैं ये सारे मॉल बन रहे हैं यहाँ पे अभी, मींस अभी काम जो है चल रहा है, बट काफी सारे मॉल यहाँ पे खुल रहे हैं इस समय। ये देखिए एक ये मॉल है, गौर सिटी मॉल।
आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए गौर सिटी मॉल पे हम लोग आ चुके हैं और ये देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बनने के बाद पता चलेगा और अंदर जब हम जाएंगे तब पता चलेगा। फिलहाल तो मैं बाहर से ही शूट कर रही हूँ गाड़ी में बैठ के। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक और मॉल जो है यहाँ पे ओपन हो गया है, गैलेक्सी डायमंड प्लाजा। और ये देखिए फ्रेंड्स, सब कुछ जो है यहाँ पे प्रोग्रेस में है अभी, बट दो तीन मॉल जो है कंप्लीट हो चुके हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी जो है हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पर बन चुकी है। व्यू बहुत ही प्यारा है इस समय। हाई राइज बिल्डिंग को देखने का मजा ही अलग होता है। तो आप भी एंजॉय कर रहे हैं ना फ्रेंड्स मेरे साथ। मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आप लोग भी घर से नहीं निकल पा रहे होंगे, तो एटलीस्ट वीडियो को देख के एंजॉय करें। फ्रेंड्स आप दूर से देख सकते हैं अजनारा का ऊपर जो है बोर्ड लगा हुआ है, अजनारा ली गार्डन। यहीं पर हमारा फ्लैट है और यही वो सोसाइटी है जिसमें हम लोग जाने वाले हैं। अब आगे हमारा यही आशियाना बनने वाला है, न्यू वाला, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि जल्दी से यहाँ पर शिफ्ट कर जाऊं। इसलिए आए हम लोग की थोड़ा यहाँ की प्रोग्रेस देखें कितना हो रहा है, हो गया है काम। आप देख सकते हैं अजनारा का बोर्ड लगा हुआ है ऊपर, और ये जहां बोर्ड लगा हुआ है उसी बिल्डिंग में हमारा फ्लैट है, बिल्कुल फ्रंट पे, मींस फ्रंट फेस हम लोगों ने लिया है। आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, काफी कंप्लीट हो गया। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। और फ्रेंड्स आप दूर से भी देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मार्केट है इस वाली सोसाइटी में। मैं अभी अंदर जाके आपको सारा दिखाऊंगी। ये पूरा अजनारा का ही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है आई थिंक सो। तो हम लोग जो है सोसाइटी पर पहुंच चुके हैं अजनारा ली गार्डन। और फ्रेंड्स ये देखिए मैं आपको बिल्डिंग दिखाती हूँ, मोस्टली कंप्लीट है ये। और फ्रेंड्स अगर किसी को यहाँ पर रेंट पर लेना है तो ले सकते हैं, हमें भी अपना रेंट पर चढ़ाना है इसलिए मैं थोड़ा इसमें मेंशन कर रही हूँ। अगर किसी को रेंट पे लेना है तो प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। ये देखिए मेन गेट पे हम लोग आ चुके हैं। और ये देखिए एंट्री करते ही यहाँ पे जो है ग्रीनरी है, ये एक्चुअली फाउंटेन है, चलता है बट इस समय नहीं चल रहा है, आई थिंक इवनिंग में चलेगा। तो जस्ट एंट्री करते ही है ये सब। देखिए फ्रेंड्स हम लोग एंट्री पे आ गए हैं और यहाँ पे देखिए गार्ड भी बैठे हुए हैं एंट्री करने के लिए। और आप जो है यहाँ का व्यू देख सकते हैं, मींस एंट्री, दिस इज ओनली जस्ट एंट्री। बहुत अच्छा व्यू है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं इसमें बैक में। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो है 17th फ्लोर पर जो है फ्लैट है, आप इसमें देख सकते हैं मैंने 17 दबाया हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे कॉरिडोर है, काफी अच्छा है, बहुत स्पेशियस है कॉरिडोर, ये देख सकते हैं आप इसमें काफी, मतलब स्क्वायर शेप में बहुत बड़ा कॉरिडोर है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है तीन लिफ्ट है, मींस ये पैसेंजर लिफ्ट है और ये वाली भी पैसेंजर लिफ्ट है और एक यहाँ पे जो है सर्विस लिफ्ट दी गई है। और साइड में स्टेयर्स भी हैं, अगर किसी को स्टेयर्स यूज करनी है तो इस तरीके से है। और ये मैं मिडिल में जो है सेंटर का व्यू दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे तो काम जो है अभी चल रहा है, ये स्टेयर्स के ऊपर जो विंडो है मैं वहां से इसको शूट कर रही हूँ।
तो यहाँ तो अभी काफी काम चल रहा है, जो कुछ बनना है बीच में। तो आप देख सकते हैं कपड़े सूख रहे हैं, मीन्स कुछ लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक ब्लॉक में 225 फ्लैट्स हैं, मीन्स 225, जिसमें से 30 लोग अभी ओनली आए हैं। जिसको आना है वो जल्दी जल्दी अपना काम करा रहा है। और यहाँ पर एक फ्लोर पे 9 फ्लैट्स हैं और टोटल इस ब्लॉक में 25 जो है फ्लोर हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अपने जो है फ्लैट पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं अभी बस कुछ कुछ ही मतलब हो गया है, लेकिन जो फिनिशिंग वाला काम होता है वो नहीं है। और एंट्री करते ही यहाँ पे जो है ड्राइंग रूम है, और ड्राइंग रूम जो है एल शेप में है, ऐसे एल शेप में ड्राइंग रूम है। और उसके बाद साइड में ये रूम है, और रूम के साथ ही अटैच की हुई बालकनी है, आप ये देख सकते हैं। ये एक बालकनी है, यहां से देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। हम लोगों ने जो है जान के रोड फेसिंग लिया है ये, क्योंकि हमारा पुराना वाला पार्क फेसिंग है। रोड फेसिंग में आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, सारा व्यूज आ रहा है इसमें। तो ये तो हुआ एक रूम जिसके साथ ये अटैच बालकनी है। और उसके सामने ही ये जो है मास्टर बेडरूम है, जिसमें अभी वुडवर्क नहीं हुआ है। साथ में ही ये अटैच लैट्रिन है, और इसमें भी जो है बालकनी दी हुई है अटैच। यहाँ फ्लैट में फ्रेंड्स यही फायदा है कि यहाँ पे हर फ्लैट में मीन्स हर रूम के साथ जो है अटैच बालकनी है। इसमें भी बालकनी है, और हर बालकनी से आप देख सकते हैं पूरा रोड दिख रहा है, मीन्स रोड फेसिंग है ये। बालकनी होने का बहुत फायदा होता है, कवर करके वो कहीं भी आप उसको यूज कर सकते हो किसी तरीके से भी। और एक रूम यहाँ पे ये है, आप एक रूम ये देख सकते हैं। और इस रूम के साथ भी अटैच बालकनी है, ये देखिए फ्रेंड इसमें भी अटैच बालकनी दी हुई है, और बालकनी का स्पेस बहुत अच्छा है। हालांकि ये अभी 1240 स्क्वायर फीट ही है फ्रेंड्स ये फ्लैट, लेकिन इतने छोटे मीन्स इतने कम एरिया में और 3 BHK फ्लैट निकाला है इन्होंने, बहुत अच्छा है। यहाँ एलमीरा की जगह दी हुई है, तो ये अभी रो में है, बाकी तो सब कुछ खुद ही कराना पड़ेगा। अभी काम चल रहा है इस फ्लैट में, और इसमें भी जो है अटैच लैट्रिन बाथरूम है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारी किचन है, बस किचन जस्ट शेप दे दी गई है, बाकी जो भी कराना है फिनिशिंग होगी तभी पूरा होगा। और किचन के साथ भी आप देख सकते हैं एक बालकनी है जो बहुत बड़ी है, ये देखिए फ्रेंड्स बालकनी भी बहुत बड़ी है किचन के साथ। आप ये सोचिए इतने छोटे से फ्लैट में इन्होंने 4 बालकनी दी हुई है, मीन्स 3 रूम के साथ और एक किचन के साथ भी। ये वाली बालकनी तो बहुत बड़ी है, जिसको आप कवर करा के किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। और यहाँ से आप व्यू भी देख सकते हैं, 17th फ्लोर पे मैं खड़ी हूँ जहाँ मेरा फ्लैट है। और आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि नीचे जो है मार्केट है, जो इवनिंग में जब खुलता है, इस समय तो लॉकडाउन है तो इतना कुछ ओपन नहीं है, लेकिन जब ये खुलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं पहले आई थी इवनिंग में तो बहुत चाट पकौड़े खा के गई थी यहाँ पर, आज कुछ लग नहीं रहा कि कुछ खाने को भी मिलेगा। बट आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं, व्यू बहुत अच्छा है। तो रोड फेसिंग का यही मजा है कि जो है आपका मन लगा रहेगा, आप बालकनी में बैठेंगे तो सब कुछ दिखाई देगा। तो आई थिंक रोड फेसिंग इज बेटर देन पार्क फेसिंग। तो इसमें बस मुझे सबसे अच्छा फ्लैट में यही लगा कि बहुत कम एरिया में इन्होंने जो है,
और ये जो ब्लू ब्लू आप देख रहे हैं मींस एकदम ग्राउंड फ्लोर पे जो आपको दिख रही है, ये सारी छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर। अब ये नहीं पता किस चीज की है, बट मैंने पूछा तो उन्होंने बोला ये सब फैक्ट्रियां हैं जिन्होंने अपना कुछ कुछ यहाँ पे खोला हुआ है। बट कुछ भी कहिए फ्रेंड्स, व्यू बहुत अच्छा है, इवनिंग में ज्यादा मजा आएगा। अभी दोपहर का टाइम है तो धूप हो रही है, बट इवनिंग में बहुत ही ज्यादा ये इंजॉयबल जो है सीन है। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि 12 से 40 स्क्वायर फीट में इन्होंने बहुत अच्छा फ्लैट निकाल के दिया है, मींस 3 रूम्स और किचन प्लस जो है ड्राइंग रूम। ये पीछे आप ड्राइंग रूम देख सकते हैं और ये इस साइड थोड़ा डाइनिंग एरिया है और इधर जो है किचन की बालकनी है। तो मींस इतने छोटे फ्लैट में इन्होंने 4 बालकनी दी है 3 रूम के साथ, मींस तीनों रूम में अटैच बालकनी है और जो है किचन के साथ, मींस किचन और ड्राइंग रूम के सामने भी जो है बहुत बड़ी बालकनी दी हुई है, मींस बालकनी काफी स्पेशियस है। तो मतलब कुल मिला के ये मुझे ठीक लग रहा है और काफी काम हो चुका है। अब ये तो हमारे ऊपर है, हम जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी ये लोग जो है फिनिशिंग करके देंगे। ये तभी होता है जब हम लोग आने के लिए रेडी रहेंगे। और अभी मैं अभी आपको दिखाती हूँ नीचे चल के यहाँ का मार्केट, हालांकि अभी सुनसान है बट बहुत अच्छा है जब ये खुलता है नाइट में, शाम को तो बहुत चहल पहल रहती है। तो फ्रेंड्स आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं डोर फेसिंग, और ये बहुत ही अच्छा है, आप वीडियो में देख भी सकते हैं। और यहाँ पे जो इस फ्लैट में जो 4 बालकनी दी है ये बहुत अच्छी है, 3 जो है हमारे रूम के साथ और 1 किचन के साथ। ये इतनी बड़ी बालकनी दी हुई है जिसको हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। बालकनी का मेन जो बेनिफिट है वो यही होता है कि आप इसको मंजे की तरह यूज करें, कुछ भी स्टोर रूम बनाए, और इस वाली बालकनी में तो मतलब मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो बस जल्दी से ये फिनिश हो जाए, और यहाँ पे काम हो चुका है मेनली तो, लेकिन थोड़ा सा रह गया है जो कि हमें खुद ही कराना पड़ेगा। तभी कोई भी हो जब आने वाले होते हैं तभी ये लोग अच्छे से करके देते हैं, बट मोस्टली यहाँ पे हो चुका है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 14 फ्लोर पे हैं और यहाँ पे एक आ गए हैं, और मैं भी बस जस्ट उनसे मिलने आ गई हूँ कि थोड़ा फ्रेंडशिप भी हो जाएगी। तो आपका नेम प्रियंका ना, तो अच्छा लग रहा है इनसे मिलके, और थोड़ा अच्छा थोड़ा देखना चाह रही थी कि फर्निश और थोड़ा सा सेटल्ड फ्लैट कैसा लगता है, बट इन्होंने अच्छा किया है अभी, लेकिन काम चल रहा है इनका भी, सब सेटल हो रहा है क्योंकि ये फ्लैट्स में यही होता है, धीरे धीरे ही काम होता है। और ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सामने से, मैं दिखाती हूँ आपको, ये मेन गेट की जो है हमारा ग्राउंड फ्लोर की एंट्री है, और ये ग्राउंड फ्लोर पे बहुत बड़ा कॉरिडोर है जहाँ आप कुछ भी जो है पार्टीज वगैरह कर सकते हो। और ये ग्राउंड फ्लोर पे जो है ग्राउंड फ्लोर का एंट्री है, और ये बैक में आप देख सकते हैं काम चल रहा है सारा पार्क वगैरह का। और ये ए और बी सी ब्लॉक है, इस साइड ये पूरे फुल हो चुके हैं, इसमें मोस्टली लोग आ चुके हैं। और ये देखिए इधर साइड में जो है बहुत प्यारी सी ग्रीनरी भी हुई है, मतलब बहुत अच्छा है, नाइट में इसका व्यू बिल्कुल अलग होता है। मैं एक बार नाइट में आई थी, बहुत ही अच्छा था। और ये मार्केट है इसी सोसाइटी का, मार्केट के बाहर जहाँ एंट्री है मीन्स, ये देखिए यहाँ से मार्केट का रास्ता है, इसी सोसाइटी का है ये। और फ्रेंड्स बहुत अच्छा मार्केट है यहाँ पे, आसपास की किसी सोसाइटी में नहीं है ये, किसी सोसाइटी में मार्केट नहीं है, मीन्स खाने का आप देख सकते हैं, मीन्स अपनी बिल्डिंग से उतर के नीचे ही सोसाइटी में पूरा मार्केट है, हर चीज का यहाँ पर है, मीन्स खाने से लेके मेडिकल, बर्तन, कपड़ा, सब कुछ है यहाँ पे। और आसपास की सोसाइटी के लोग भी जो है यहीं आते हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। आज सैटरडे है इसलिए सैटरडे संडे ऑफ रहता है, इसलिए ज़्यादा ओपन नहीं हुआ है अभी, मीन्स शॉप्स खुली नहीं है, अदरवाइज ये सब ओपन रहता है।
मीन्स अगर कोई यहाँ नया आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सोसाइटी में ही सारा मार्केट है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं अवेलेबल है। और काफ़ी बड़ा मार्केट है, लास्ट टाइम तो हम लोग आए थे, हमने खूब चाट पकौड़ा खाया था, आज सैटरडे है बट कुछ मिल नहीं रहा है, फिर भी ट्राई करते हैं कुछ मिल जाए खाने का तो खाते हैं, क्योंकि भूख भी बहुत तेज लग रही है मुझे तो अब, और प्यास भी, तो कुछ खाने पीने का ढूंढते हैं शायद कुछ मिले, मे बी ओपन हो इवनिंग में, क्योंकि ये सोसाइटी मार्केट है तो हो सकता है ये ओपन रहे, खुल जाए अभी थोड़ी बहुत देर में। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत लंबा मार्केट है, और इससे ऊपर ही मैंने देखिए आपको अपना फ्लैट दिखाया था, जहाँ ये कपड़े सूख रहे हैं उससे दो फ्लोर ऊपर ही हमारा फ्लैट है, और वहाँ से हमारा ये नीचे का पूरा मार्केट का व्यू दिखाई देगा और रोड का भी। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत लंबा मार्केट है यहाँ पे, और ये पूरा एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हमारा इंदिरापुरम में जयपुरिया के सामने का है सेम उसी तरीके से है ये। ये देखिए यहाँ इवनिंग में बैठ सकते हैं, काफ़ी स्पेस दिया हुआ है। ये देखिए चाइनीज़ काउंटर, और ये देखिए सारे स्नैक्स के, ये सब यहाँ पर हैं, मुझे ध्यान है मैंने लास्ट टाइम यहाँ बहुत कुछ खाया था, ये देखिए, बट आज सैटरडे है और हम लोग आज ही आए हैं, बट कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है फिलहाल, तो बस इस टाइप से है। ये देखिए कितना बड़ा यहाँ पे ये भी दे रखा है, आप कुछ भी सामान खरीद सकते हैं यहाँ से। अजनारा ली मार्ट, मीन्स अजनारा का ये पूरा मार्केट है, यहाँ पे बोर्ड भी लगा है, और ये सोसाइटी के अंदर ही है, मीन्स मेन गेट के अंदर, पूरी रो में है ये। फाइनली हम लोगों को जो है मोमोज मिल गए हैं, कैसे दे रहे हैं भैया आप मोमोज? 50 के 12 दे रहे हैं यहाँ पे ये। तो फ्रेंड्स भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो इस समय हम लोग कोरोना वोरोना सब भूल गए हैं और जो है मोमोज खाने लगे हैं, क्योंकि मेरा तो जो भूख के मारे दम निकला जा रहा है। फ्रेंड्स मोमोज मिल गए हैं, देखिए आखिरकार कुछ नहीं था खाने के लिए, मोमोज मिल गए, और आप मोमोज की जो है शक्ल देख सकते हैं कैसे हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के हैं, और जो है मुझे तो भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, बर्दाश्त से बाहर हो रही है, तो फ्रेंड्स आज मैं कोरोना भूल गई हूँ। और मोमोज यहाँ का थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है, नोएडा सेंट्रल है, इसलिए स्पाइसी भी है, बहुत गर्म है। फ्रेंड्स आपने मेरे साथ जो है आज नाराली गार्डन की विजिट की, कैसा लगा? और हमने जो है मोमोज वगैरह भी खा लिए हैं, बहुत मज़ा आया खा के, कुछ डिफरेंट टेस्ट था यहाँ का। और अब लोग, अब तो मैं जो है पसीने पसीने हो गई हूँ बिल्कुल, क्योंकि जो है स्पाइसी खाया है, ऊपर से पसीना, ऊपर से धूप थी, अब थोड़ा सा मौसम जो है ठीक हो गया है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है घर वापस जा रहे हैं, और हमारा जो है आज का लॉन्ग टूर बढ़िया रहा, घूमने में मज़ा आया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।